अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो लोग 10th से प्रमोट हुए फर्स्ट ईयर में 9th की बेस पे कैसे नंबर लगाए जाएंगे। तो वो कौन सा फार्मूला है जिसको यूज़ करके मैट्रिक के टोटल नंबर फाइंड करेंगे। तो फार्मूला पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। फार्मूला है नंबर मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस 3% ऑफ टोटल नंबर्स, 3% ऑफ टोटल नंबर्स प्लस परसेंटेज ऑफ प्रैक्टिकल नंबर्स। कौन सी परसेंटेज? जो स्टूडेंट ने 9th क्लास में जितने परसेंट नंबर लिए थे, आप उन नंबर्स की वो परसेंटेज हम टोटल, अगर 90 नंबर है तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे 90 में से। अगर एक स्टूडेंट 80% नंबर लेता है 9th में, तो प्रैक्टिकल में भी 90 का 80% ही यूज होगा। लेट्स से टोटल मार्क्स हमारे पास से 500, एक स्टूडेंट जो है वो ऑब्टेन करता है 400 मार्क्स, तब कितने नंबर होंगे मैट्रिक में, उसके टोटल कितने नंबर होंगे? तो लेट्स से 500, अच्छा तो कितने नंबर होंगे? पहली बात तो ये है 9th नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, तो फर्स्ट जो इसकी टर्म हम फाइंड करेंगे तो उसने कितने नंबर लिए हैं, 400 मल्टीप्लाई बाय 2, 800 नंबर उसके लिए आ जाएंगे। फिर 3% ऑफ द टोटल नंबर का 3%, नंबर 2 3% ऑफ टोटल मार्क्स, टोटल अगर 1100 है तो 3% उसका होगा 33 नंबर। टोटल मार्क्स मीन, और इफ टोटल मार्क्स है 1100 1001, और तीसरे नंबर पे हमें फाइंड करना है प्रैक्टिकल के कितने नंबर होंगे। तो 3 देखिए 500 9th में थे, 500 10th में, तो बाकी प्रैक्टिकल टोटल मार्क्स जो हैं वो हमारे पास इस एग्जांपल में 100 हैं। अब उस स्टूडेंट के जो 9th में 400 मार्क्स लेता है, प्रैक्टिकल के 100 में से कितने नंबर लगेंगे? तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा पहले कि 9th में उसने कितनी परसेंटेज ली थी, तो इतने ही परसेंट नंबर इसके यूज होंगे। तो पहले हम परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं, परसेंटेज इन 9th मार्क्स इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब इसका आंसर फाइंड करते हैं, ये हमारे पास है 80%। अब इस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स जो है प्रैक्टिकल के 100, उसमें से कितने नंबर लगेंगे? 80% जो उसने 9th क्लास में लिए हैं। अगर एक स्टूडेंट 9th क्लास में 90% नंबर लेता है तो उसके प्रैक्टिकल में 90% नंबर लगेंगे। अच्छा तो 80%, तो 80% ऑफ टोटल नंबर, टोटल नंबर्स ऑफ प्रैक्टिकल कितने बनते हैं? 80% ऑफ 100, टोटल 100 है तो ये बन जाएंगे 80%। अब उसके टोटल नंबर कितने होंगे? तो टोटल नंबर होंगे, नंबर वन में कितने थे? 800 फास्टर। सेकंड में कितने बने? जो 33% प्लस प्रैक्टिकल में कितने नंबर आए? 80। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 800 प्लस 80, 880 प्लस 33, 913। तो
टोटल मार्क्स होंगे, और ये फार्मूला यूज करके आप नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। और सेम फार्मूला है सेकंड ईयर एफएससी के लिए।